पुरुष और प्रकृति के बारे में कि प्रकृति भगवान कृष्ण के पुरुष किसको कहते हैं कृष्ण को और प्रकृति मैंने ये जो संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब भगवान कृष्ण के आनंद के लिए है इसलिए हमें इस पूरी प्रकृति में जो कुछ भी है उसमें से किसी को भी अपने आनंद के लिए नहीं यूज करना चाहिए बल्कि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और इसे जो है इसलिए बता रहा था जैसे इस प्रकृति में बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं है ना जैसे हमें मिलता है मैं बता रहा था कि फल फूल सब्जियां सब मिलता है ना हम लोग सीधे खा लेते हैं इसलिए ये पाप माना जाता है क्योंकि आपने कृष्ण के जो कृष्ण के लिए था वो आपने ले लिया तो पाप है इसलिए वो लोग जो इस तरह से उस नरकों का वर्णन होता तो जो लोग भले शाकाहारी लोगों को बड़ा घमंड होता है कि हम बड़े शाकाहारी हैं हम तो सिर्फ बचपन से हमने सिर्फ शुद्ध साकार खाया लेकिन उसको भी बताया है कि जो अपने इंद्रियों के अपने पेट भरने के लिए अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए जिन्होंने है ना इस तरह से खाया है वो कृमि भोजन नामक नरक में जाते हैं और उनको वहाँ पे कृमियों के बीच में डाला जाता है और उस कृमियों की नदी में वो उन्हीं कृमियों को खाता है उसी कृमि का बर्गर है उसी कृमि का पिज्ज़ा है वो कीड़े रहते हैं उसमें से वही खाने को है उन्हीं के बीच में रहता है वो कृमि इसको खाते हैं ये कृमियों को खाता है कौन जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाते फिर चाहे वो कुछ भी हो चाहे आम हो चाहे चॉकलेट हो चाहे कुछ हो हमें बता था 32 ठाकुर ने एक बार आम खा लिया घर में आम लेके आए आम खा लिया तो उनके पिता ने बोला भक्तिनाथ ठाकुर ने कि भगवान की चीज को तुमने कैसे खा लिया बिना भोग लगाए प्रसाद ही हम खाते हैं भगवान हम प्रसाद पे हमारा अधिकार है हम प्रसाद खाते हैं हम भोग नहीं खाते जो भोग खाता भोगी है जो भोगी है वो रोगी बनेगा है कि नहीं तो हम भोग नहीं खाएंगे हम प्रसाद प्रसाद ग्रहण करते हैं बस है ना उनका आपने ऐसे कर लिया तो इस बात को समझते हुए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि आज से मैं आम ही नहीं खाऊंगा पूरे जीवन भर आम नहीं खाऊंगा है ना तो इस तरीके से पुरुष और प्रकृति का भेद बताया प्रकृति कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए इसलिए हमें कल हमने सुदामा के चरित्र में भी यही देखा कि जो कुछ भी कृष्ण कृपा से हमें मिल रहा है चाहे वो फल फूल सब्जियां हो चाहे वो बंगला गाड़ी मोटर कार कुछ भी हो जो कुछ भी हो और यहाँ तक कि जैसे जो गृहस्थ हैं उनके पास उन्हें जो है बच्चे हैं परिवार के सदस्य हैं पत्नी है तो सब जो कुछ है ये नहीं समझना चाहिए कि ये पत्नी है तो मेरे आनंद के लिए तो मेरी सेवा के लिए है ये बच्चे तो मेरी नहीं सब मेरे को क्यों मिले हैं ये पत्नी मेरे को मिली है ये बच्चे मेरे को मिले क्यों ताकि मैं इनको कृष्ण की सेवा में लगा सकूं है ना ये समझना ये कृष्ण ने मेरे को ये अधिकार ये सेवा दिया है इतने लोगों की जिम्मेदारी दी है कि इतने लोगों को मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है तो वही माँ भी वैसे सोचते बच्चों को कृष्ण का प्रसाद मिले है ना बच्चों को कृष्ण की सेवा में लगाए पत्नी सोचती पति की पति कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो मैं उनकी सेवा करूंगी तो मुझे वो कृष्ण भक्ति भी मिलेगी है ना तो इस तरीके से सब कुछ किसके सेंटर्ड है कृष्ण सेवा के सेंटर्ड है कृष्ण सेवा बीच में है इसलिए सारे इसलिए वहाँ झगड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा इस तरह से पुरुष प्रगति का भेद है इसके बाद आगे पूछ रहे हैं कि अपने ऊपर जो कोई अपराध करे ये इंपॉर्टेंट है मेरे को किसी ने गाली दिया मेरे को किसी ने बुरा भला बोला है ना तो कुछ भी लोग आके बोल सकते हैं तो उस स्थिति में मैं क्या करूँ आपकी बात समझ रहा हूँ मैं लेकिन अगर कोई मेरे अन्य शरीर मेरे ऊपर कुछ करे तो मैं क्या करूँगा तो उसके उत्तर में एक कथा बताते हैं अवंती ब्राह्मण की कथा है ना तो एक ब्राह्मण था अवंती है ना उस जगह का नाम था तो उस जगह के नाम से ही उसका नाम फेमस हो गया अवंती ब्राह्मण तो ये बहुत रिच था और पैसा इसके पास था काफ़ी खेती किसानी से सब आता था बड़ा कंजूस था कैसा कंजूस
तो कुछ भी नहीं खर्च करने देता था, है ना। मान लो बच्चे ने एक आइसक्रीम खरीदी, इतना डांटेगा कि वो, है ना, पत्नी ने एक साड़ी खरीद ली तो इतना डांटेगा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता था, सब समेट के रखता था। कौन? तो इतना कंजूस था कि जहां जरूरत है वहां भी नहीं खर्च करता था। भाई अननेसेसरी मत खर्च करो, समझ में आता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो खर्च करना पड़ेगा ना, वहां भी नहीं करता था, है ना। तो सब लोग ने, इसके बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, सब इसको ना बड़ा ऐसे ही समझते थे, यार ये कैसा। वो लोग ना इसको हमेशा कोसते रहते थे, सभी दुखी रहते थे, सभी परेशान रहते थे कि ये जो है हमें कोई किसी भी तरह का कोई चीज जो है उसको नहीं मिलता था, उनके परिवार के लोगों सदस्य कुछ नहीं मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि कुछ चोर आए और अवंती के घर में डाका डाला, चोरी किया और सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ले तब जो है इसको बड़ा अजीब लगा। तो जिस तरह से पिंगला के साथ हुआ ना कि उसको भी जब कोई नहीं आया तो अचानक उसको अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन हुआ और विरक्त हो गया। ऐसे अचानक अवंती को लगा यार ये सब बेकार है, और वो भी विरक्त हो गया। और जब वो इस तरीके से विरक्त हो गया तब जो है उसको समझ में आया कि उसका जो वजन सिर पे उसने लाद रखा था ना, उसे बहुत हल्का हल्का फील होने लगा, है ना। जैसे एक चीज उसको हमेशा ये डर रहता था कहीं चोरी हो गई हो, अब कोई डर नहीं, है ना, तो फ्री हो गया। ऐसे करके उसको, वो खुद कहता है कि मैं 15 चीजों से मुक्त हो गया, है ना, जिसमें हिंसा, झूठ बोलना, काम, क्रोध, इस तरह से बहुत सारी चीजें बताता है, है ना, और ये सब चीजों से वो फ्री हो गया, मुक्त हो गया। तो उसको अच्छा लगने लगा और उसने अपना मन कृष्ण के चरणों में लगा दिया और इस तरीके से उसने संन्यास ले लिया, त्रिदंडी सन्यासी बन गया, वो सब छोड़ दिया उसने, है ना। और वो कहता था कि एक्चुअली में मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, पर भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर अहित की कृपा कर दी है और ऐसा मेरे जीवन में करवा दिया कि मेरे सब सामान चोरी हो गया, सब कुछ हो गया। और चूंकि ये पहले तो इसने किसी घर वाले रिश्तेदार को कुछ दिया नहीं, तो कोई इससे, अभी अब तो सब चोरी हो गया, अब क्यों इससे प्रेम करेंगे, कोई पहले नहीं करते थे। तो इस तरह से वो कहता है कि ऐसी स्थिति भगवान ने बना दी कि मैं उनको, मैं सब भौतिक मोह माया छोड़ दिया और उनके चरणों में सेवा में भक्ति में लग गया, तो कृष्ण कृपा हो गई मेरे ऊपर, इस तरह से वो सन्यासी बन गया। अब वो सन्यासी बन गया तो वो गांव गांव में जाता था क्या के लिए, भिक्षा मधुकरी करने के लिए। तो लोग तो जानते थे इसको, ये बड़ा समस्या होता है। पहले क्या करता था, अब साधु बन गया, अब बड़ी समस्या होती है फिर, है ना। बोलते ना कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी थीफ, क्या बोलते हैं, एवरी थीफ हैज ए फ्यूचर, समझे ना। जो साधु है, हर साधु का एक पास्ट होता है, और इसलिए साधु बनने के बाद पुराना फेसबुक अकाउंट बंद कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो आपने सुना होगा एक अंगुली मार डाकू की कथा, सुनी किसी ने, अंगुली मार डाकू, अंगुली मार था, बहुत खतरनाक डाकू था। तो उसको एक, वो काउंटिंग करना था, उसका लंबी कथा है, वो तो काउंटिंग करनी रहती थी उसको, है ना, कि कितने मारे, तो कैसे गिनेगा। उस समय ना तो मोबाइल चलते थे, ना एबेकस था, ना कैलकुलेटर था, ना काउंटर था, कुछ नहीं था। तो क्या करता था, जितनों को मारता था उसकी उंगली काट के गले में लटकाता था, इसलिए उसका नाम बड़ा अंगुली मार, है ना। तो बाद में गौतम बुद्ध से मिलने के बाद वो संत बना, है ना। तो लोग उसको, जब वो जाता था तो उसको भी लोग खूब गालियाँ देते थे। और इस तरह से आपने एक कथा और सुनी होगी, किस किसने पढ़ी है, मिर्गारी की कथा, है मिर्गारी, मिर्गारी की स्टोरी का बुक दिया था आपको, है ना, वो गुड। तो मिर्गारी भी जब नारद जी के उपदेश से भक्त बन गया तो सब लोग पहले ना बड़ा
करते थे, बाद में उन्होंने देखा कि हाँ ये सही में भजन कर रहा है, तो अपने आप सब आता था उसके बाद। तो इस तरीके से जो अवंती ब्राह्मण जब मांगने जाता था तो लोग इसको गालियां देते थे, इसके ऊपर पत्थर फेंकते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो ये प्रश्न था ना कि अब तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ रहा है ना, तो अब जो इस पे अपराध कर रहे हैं लोग, गाली दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो ये किसी को कुछ नहीं बोलता था बदले में, ये शिक्षा है। ये ऐसा नहीं बस नाम के लिए साधु बन गया, ऐसा नहीं कि अब तो सब चोरी हो गई तब साधु ही बन जाओ भैया और क्या बचा है, ऐसा नहीं। नाम के लिए सही में उसने कृष्ण में के चरण में समर्पण किया था, इसलिए उसको समझ में आ रहा था कि ये वो बोलता है। जब उसको इस तरह से गालियां मिलती हैं, इस तरह से पत्थर मिलते हैं, इस तरह से अब लोग उसको परेशान करते हैं, तो फिर उसने एक गीत गाया जिसे कहते हैं अवंती गीत या भिक्षु गीत। तो कहता है कि सब मन का भ्रम है, सब हमारे मन की वजह से ही हमें हो रहा है समस्या। किसी ने गाली दी, मन कहता है अच्छा नहीं है ये, तो हमें बुरा लगने लगता है ना। किसी ने कुछ कहा, तो इस तरीके से वो कहता है सब मन का जो है क्या है, भ्रम है। कौन बोला? बहुत बढ़िया है ना। तो इस तरीके से कहते हैं कि सब क्या है, मन का भ्रम है। तो हमें अपने मन को इंद्रियों से हटाना चाहिए, इंद्रियों के विषयों से हटाना चाहिए, तो हम इन चीजों से ऊपर जाएंगे। वही चीज गीता में भगवान ने बताया कि मन को इंद्रियों के से हटाओ है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा सब अपराध किसने क्या क्या फर्क पड़ता है। जिसने बोला उसने अपनी जवान गंदी करी, हमें क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। आपके पास कोई व्यक्ति आया, ये समझने वाली बात है, आपके पास कोई व्यक्ति आया है ना, उसने आपको एक चीज दी गिफ्ट में, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगी, आप नहीं ली, तो वो चीज किसकी हुई? किसकी, जो लाया था या जिसके लिए लाया था? जो लाया था। सेम आपको किसी ने गाली दी, आपको अच्छी लगी रख लो, नहीं लगी मत लो, तो किसको मिली वो? तो इतना आसान है, सब मन का खेल है, सारा मन का सिस्टम है। हमारे मैं बाइक से जा रहा हूँ, मेरा बाइक पंचर हुआ, मुझे बुरा लगा, पंचर वाले को अच्छा लगा, है कि नहीं? चीज वही हुई, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बुरा लगा, उसको अच्छा लगा। ये बड़ा संसार का नियम ऐसा ही है। डॉक्टर क्या प्रार्थना करता होगा रोज बताओ? डॉक्टर भी है, डॉक्टर रोज दो अगरबत्ती एक्स्ट्रा लगाता है कि भगवान मरीजों को बढ़ाओ, है नहीं? पंचर वाला रोज भक्ति कर रहा है कि भगवान गाड़ियां और पंचर हो, मतलब जरा एक नहीं एक साथ तीन तीन टायर पंचर हो, वो ये प्रार्थना कर रहा है, सही कि नहीं? मैं कोई गलत तो बता नहीं रहा हूँ, सोचो आप सोचो, सही नहीं? डॉक्टर क्या ये तो प्रार्थना करता होगा, पंचर वाला ये प्रार्थना करता होगा। और जो अंतिम संस्कार की लकड़ियां बेचता है या ताबूत बेचता है, वो क्या प्रार्थना करता होगा? जैसे जैसे ये लोग बोलते हैं ना, आप जाओ काजू किशमिश की दुकान वालों के पास, या बोलते सीजन आ गया, बोलते ना सीजन का समय, इस समय डिस्टर्ब मत करो, बिजी चल रहा है, बिजनेस बहुत सही चलने वाला है, तो संसार वाले का सीजन कब आता है? तो वो भी जैसे मान लो सुनामी आ गई, है कि नहीं? सुनामी आ गई तो वो तो सोचता होगा, अरे पिछले साल जो मैंने बोला था ना कि 11 नारियल चढ़ाऊंगा, अगर सुनामी आई तो आ गई, है कि नहीं? ऐसे तो होता, तो उसके लिए तो सीजन आ गया, है ना? जैसे अभी कुछ यहाँ पे नया लगे, जैसे विंटर आती है तो गर्म कपड़े वाले सोचते हैं बिकेंगे, है ना? तो उसको लगा कि जैसे मौसम विभाग ने जानकारी दी कि तूफान आने वाला है, मरने की आशंका है, तो कहेगा भगवान ने सुन ली, बिजनेस चलेगा, है कि नहीं? सोचो आप, सब मन का खेल है ना, सब कुछ मन का है। हमको लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, सब मन का खेल है। उसने कुछ बोल दिया, अरे ये तो बेकार है, सब हमारे मन में ही सब चल रहा है ना। तो इस तरीके से आगे वर्णन आता है कि
मन को कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई चीज है जो हम, ठीक है, हम विधि अपनाएंगे मन को कंट्रोल करेंगे, पर कोई एक चीज कुछ ऐसा है क्या जिससे हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए? वैष्णव अपराध तो है जब भक्ति में है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज कहते हैं कि जो स्त्री की तरफ जो आकर्षण है उससे बच के रहना चाहिए। तो ये चीज बार बार आ गई है, लेकिन भगवान कपिल ने माता देवहूति को इस बारे में बताया था, ये आपने बार बार सुन लिया होगा, कश्यप दीदी संवाद में सुना, मोहिनी ने भी कहा कि स्त्रियों से बच के रहो, कश्यप ने कहा, उर्वशी ने कहा, सबने कहा, और भगवान कपिल ने माता देवहूति से भी कहा है ना। तो और कपिल भगवान ने माता देवहूति से एक बात और कही, क्या ये समझने का है? तो कपिल भगवान बोलते हैं कौन पूछ रहा है? हाँ।
उद्धव गीता चल रही है, समझ आ रहा है ना आपको, है ना। तो वो पूछते हैं कि भौतिक जगत में कौन रह जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति में दृढ़ निश्चय की कमी है, दृढ़ निश्चय समझते हैं ना, डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन की वजह से व्यक्ति भौतिक जगत में भटकता रहेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हम होंगे राइट, वी शैल ओवरकम। तो हमें एक डिटर्मिनेशन, रूप गोस्वामी का उत्साह, निश्चय, धैर्य, निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ मैं प्रभुपाद जी के शरण में आ गया हूँ, गुरु परंपरा मुझे मिल गई है, प्रमाणिक ग्रंथ मुझे मिल गए हैं, और हरे नाम है केवल हरि नाम, हरे कृष्ण नाम मुझे मिल गया है, और अगर मैं इसको अच्छे से पालन करूंगा तो मुझे ये विश्वास है, ये निश्चय है कि एक दिन सफलता मिलेगी। क्यों? आचार्य ने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि सफलता मिलेगी। तो इसके बाद अंतिम प्रश्न पूछने की कैसे परफेक्ट स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो कृष्ण कहते हैं एक ही उपाय है, क्या है, भक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 11वां स्कंद यहाँ पे पूर्ण होता है।